ये बात तो हम सभी जानते हैं कि धरती में जिस किसी ने ये जन्म लिया है उसका इस जीवन से चले जाना तय है। भगवान के मर्जी की आगे किसी की भी नहीं चलती। भगवान चाहे तो मुर्दे में भी प्राण डाल सकते हैं। इसी बात का साक्षात उदाहरण है उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर जहां मुर्दा भी जिंदा हो सकता है। ये मंदिर उत्तराखंड के देहरादून से लगभग 128 किलोमीटर दूर लाखामंडल गांव पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में ऐसी कई मान्यताएं हैं कि आज के जमाने में शायद लोगों को भरोसा ना हो। कहा जाता है कि यहां आकर मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। ये मंदिर लाखामंडल शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर अपनी रहस्यमय कहानियों और अद्भुत वास्तुकला के लिए देश भर में मशहूर है। यहाँ बहुत सी रहस्यमय गुफाएं भी है। इस मंदिर को महाभारत काल से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र इसी मंदिर पर रचा था। युधिष्ठिर ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। मंदिर में आज भी वो शिवलिंग मौजूद है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए यहाँ लाक्षाग्रह बनवाया था। लाक्षाग्रह का मतलब है लाख का घर, ताकि जब पांडव इस घर में रहने आए तो छुपके से इसमें आग लगाकर उन्हें मारा जा सके। पांडवों को इस लाक्षाग्रह में रखा गया था, लेकिन पांडव यहाँ से बाहर बच निकले। आज भी वो गुफा लाखामंडल में मौजूद है, जिसे चित्रेश्वर भी कहा जाता है। ये गुफा लाखामंडल से 2 किलोमीटर की दूरी पर खुलती है। लाखामंडल मंदिर का सबसे अद्भुत रहस्यमय है कि यहाँ पर मृत व्यक्तियों को जीवित किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी मृत व्यक्ति को यहाँ लाकर मंदिर के पुजारी द्वारा विशेष पूजा अर्चना करवाई जाए तो वो मृत व्यक्ति भगवान का नाम लेते हुए जीवित हो जाता है। इसके बाद पुजारी मंत्र पढ़कर उस व्यक्ति के मुंह में गंगाजल डालते हैं, तब वो व्यक्ति फिर से मृत हो जाता है और उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस बात का रहस्य क्या है आज तक कोई नहीं जान पाया। लाखामंडल मंदिर में बहुत से शिवलिंग हैं, लेकिन एक शिवलिंग बहुत ही विशेष है। ये शिवलिंग मंदिर के बाहर मौजूद है। इस शिवलिंग को अद्भुत रूप से गाढ़ा गया है। इस शिवलिंग में भक्तों को अपना चेहरा नजर आता है। इस शिवलिंग में अपना चेहरा देखना बहुत शुभ माना जाता है। इस शिवलिंग को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि ये शिवलिंग द्वापर और त्रेता युग से स्थित है। एक और मान्यताएं है कि शिवरात्रि के दिन शिव मंत्र का जाप करने से भक्तों को 1 साल के अंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक अद्भुत युगल मूर्ति भी है, जिसे पांडवों द्वारा स्थापित माना जाता है। लाखामंडल की धरती को जब भी खोदा जाता है तो इस धरती से हमेशा शिवलिंग और मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, जिसकी देखरेख ASI कर रहा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।